हेलो गाइस, अगर आप हाउस या किसी और कंपनी का ड्राइवर यूनिट घर पे रिपेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। कोई सा भी रिपेयरिंग शॉप पे अगर आप इसको रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो इजीली 120 से लेकर 150 तक वो चार्ज कर देता है। यही यूनिट आप घर पे इजीली 20 रुपीज़ में रिपेयरिंग कर सकते हो। वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखने के बाद इजीली आप इसको घर पे रिपेयर कर सकते हो। मेरे पास ये आउजा का 60 वाट का ड्राइवर यूनिट है जो ख़राब हो चुका है। मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे एक बार दिखा भी देता हूँ। देख सकते हो कंटिन्यूटी मोड में बिल्कुल भी कोई सा भी रेटिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब ये ख़राब हो चुका है। इसको खोलने के लिए इसका सारे के सारे स्क्रू निकाल लेते हैं। पहले पीछे का कवर हटा लेते हैं, उसके बाद फ्रंट साइड का चार स्क्रू निकालने के बाद इसका डायफ्रेम ईजिली बाहर आ जाता है। डायफ्रेम निकालने के बाद भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये अंदर से तो सही दिख रहा है पर ये कॉइल ख़राब हो चुका है, और एक कॉइल में बाहर से लेकर आया था मार्केट से, बस मेरे को 20 रुपीस में मिला है। देख सकते हो इसमें रेटिंग दिखा रहा है, मतलब इसका डायफ्रेम बिल्कुल सही है। तो इसको चेंज करने के लिए पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। डायफ्राम लगाने से पहले इसका प्लस और माइनस सही तरीके से चेक कर लेना है। इसका प्लस और माइनस जानने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। प्लस कॉइल को मैग्नेट के साथ अच्छे से फिटिंग करना है, और एक लिथियम आयन सेल ले लेना है, और इसका वायर दोनों कॉइल के दोनों वायर से टच करना है। अगर ये बाहर निकल आया तो ये प्लस माइनस सही है, और देख सकते हो बाहर निकल रहा है तो इसका प्लस और माइनस बिल्कुल सही है। प्लस माइनस आप इस तरीके से जान सकते हो। अभी कॉइल का प्लस और माइनस यूनिट के प्लस और माइनस से अच्छे से देख के सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है आपको, वरना ये निकल जाएगा। इसमें एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से ये निकल सकते हैं। इसमें जो प्लास्टिक सेफ्टी केस था इसको भी अच्छे से फिटिंग कर देना है। इसको फिटिंग करने के लिए आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। यूनिट का फ्रंट साइड के स्क्रू एक ही साइड में दोनों स्क्रू एक साथ नहीं टाइट कर सकते हैं, वरना इसका जो डायफ्रेम है, इसका जो कॉयल है, वो एक साइड से ज़्यादा दब जाएगा। तो हमेशा एक साइड में दोनों स्क्रू नहीं कसना है आपको। देख सकते हो अभी फाइनली यूनिट पूरा रिपेयर होके तैयार है आपके सामने। अभी इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। और कमेंट करके बताओ ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।